हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच विद वीरा। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। तो आज जो है हम लोग पफ स्लीव कुर्ती बनाने वाले हैं। मैंने ये 2 मीटर फैब्रिक ले लिया है और 2 मीटर जो है मैंने लाइनिंग भी ले लिया है। तो इसका जो है हम लोग कैसे कुर्ती बनाने वाले हैं, मैं उसका आपको सबसे पहले एक डायग्राम बता देती हूँ, फिर हम लोग जो है इसका कटिंग और स्टिचिंग स्टार्ट कर देंगे। तो गाइज देखिए, मैं जो है आपको यहाँ पर एक रफ डायग्राम दिखा रही हूँ कि मुझे नेक जो है ऐसे शेप का चाहिए और हमारा जो स्लीव रहेगा वो हम लोग ऐसे पफ करके लेंगे, यानी कि बलून स्लीव लेंगे। मैंने इसके पहले भी एक बलून स्लीव का वीडियो बनाया हुआ है, बट उसमें जो है हम लोगों ने अप जो है हमारा बिल्कुल भी पफ नहीं आ रहा था, जो हमारा बलून स्लीव था। ये जो है हम लोग हमारा पफ स्लीव बना रहे, ठीक है। तो जो शोल्डर है उससे भी कुछ इंचेस जो है हम लोग ऊपर भी हमारा पफ आएगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, स्ट्रेट कट कुर्ती रहेगा हमारा, ठीक है, और इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा। अभी जो है मैं अपना सबसे पहले लाइनिंग बिछा लेती हूँ और उसके ऊपर जो हमारा नॉर्मल जो मेजरमेंट्स रहता है वो कर लेती हूँ। ओके गाइस, तो देखिए मैंने जो है मेरा कम्प्लीटली बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से जो है यहाँ पर लाइनिंग के ऊपर ड्राफ्टिंग कर ली है। बेसिक ड्राफ्टिंग है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको एक बार पूरे मेजरमेंट से गो थ्रू करवा लेती हूँ। हमारा जो शोल्डर है 7 इंचेस पर लिया है मैंने, सेम 7.5 इंचेस पर मैंने आर्म होल लिया है। जो हमारा ब्रेस्ट लाइन है, चेस्ट लाइन भी आप बोल सकते हो, बस्ट लाइन भी आप बोल सकते हो, इसे जो है मैंने 10.5 इंचेस पर रखा है। 7 इंचेस का ये डिस्टेंस रखा है, जो कि यहाँ पर आएगा हमारा वेस्ट का मेजरमेंट। तो वेस्ट जो है मैंने 9 इंचेस पर रखा है। उसके बाद 7.5 इंचेस पर जो है मैंने ये हमारी ये नेक्स्ट लाइन लगाई है, जो कि होगा हमारा हिप लाइन। हिप लाइन जो है मैंने 10.5 इंचेस पर लगाया है। उसके बाद जो भी हमारा कंप्लीट लेंथ ऑफ कुर्ती है उसके हिसाब से जो है मैंने यहाँ पर एक लाइन कर दी है, और जो हमारा हिप लाइन है वो 10.5 इंचेस है, और यहाँ से जो है मैंने 0.5 इंचेस बढ़ाकर जो है मेजरमेंट लिया है, जो कि 11 इंचेस है, ठीक है। सेम एज इट इज़ 1 इंचेस अप करके जो है मैंने आर्म होल का मार्किंग कर लिया है, फ्रंट और बैक। यहाँ से जो है मैंने नेक का विड्थ रखा है 3 इंचेस। यहाँ से मैंने शोल्डर डाउन किया है 0.5 इंचेस के ऊपर। तो यहाँ पर जो है हमारा कम्प्लीटली बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से ड्राफ्टिंग हो गया है। यह अभी हम लोग इसको कट कर लेंगे। तो गाइज देखिए, अभी जो है मैंने यहाँ पर ये कटिंग कर लिया है। हमारा ये लाइनिंग का पोर्शन जो है रेडी है। इसको मैं फोल्ड करके अभी हमारे मेन फैब्रिक के ऊपर रख के उसको भी कट कर लूँगी। तो गाइज देखिए, मैंने जो है मेरे ये फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख दिया है। ये 2 फोल्ड्स है, मैंने इसको जो उल्टा रख के फोल्ड किया है, ताकि जो भी हम लोग मार्किंग करें टेलरिंग चौक से वो हमारे फ्रंट पार्ट के ऊपर विजिबल ना हो। इसके लिए जो है मैंने इसको उल्टा रख के फोल्ड कर लिया। अभी आपको ये खाली फोल्ड करते एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जितना हमारा हिप साइज है उससे ऑलमोस्ट 1 इंचेस जो है हमारा ये फैब्रिक ज़्यादा फोल्ड हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने 12 इंचेस रखा है, यानी कि ऑलमोस्ट 1.5 इंचेस जो है मैंने इसको ज़्यादा रखा है। अभी सेम जो है हम लोग इसके ऊपर हमारा ये जो लाइनिंग है उसे हम लोग रख लेंगे। तो देखिए कि अभी जो है मैंने इसको फैब्रिक के ऊपर रख दिया है, और मैं इसको इसकी किनारी से ही जो है कम्प्लीटली कट कर लूँगी। अभी देखिए, आप देख सकते हैं कि ये 60 का पना है इस फैब्रिक का, हमारे मेन फैब्रिक का। तो हमें जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक मिल रहा है, तो मुझे जो है मेरी कुर्ती की लेंथ मैक्सिमम चाहिए, तो मैं इसको कट वगैरह नहीं करूँगी। खाली जो ये हमारे मेजरमेंट के पॉइंट्स हैं इसी के हिसाब से मैं इसको कट कर लूँगी। तो देखिए, यहाँ पर जो है मैंने हमारे फैब्रिक का भी जो है कटिंग कर लिया है। यहाँ पर जो है अभी हमारे पास लाइनिंग के 2 पार्ट्स है और मेन फैब्रिक के भी देखिए 2 पार्ट्स है, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले ऐसे ही रख लेंगे। अभी हमें डिसाइड करना है कि हमें जो हमारा ये साइड स्लिट होगा उसका लेंथ कितना रखना है। तो गाइज हम लोग जो है हमारे हिप लाइन से 2 इंचेस के ऊपर मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पर जो एक नॉच लगा लेंगे, ताकि हमें पता हो कि कहाँ से जो है हमें हमारा स्लिट का स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक नॉच लगा के आपको बताती हूँ। तो गाइज देखिए, यहाँ पर जो है मैंने स्लिट कर लिया है। अभी हमारा फ्रंट और बैक ये दोनों का कटिंग हो चुका है, हम लोग इसको साइड में रख लेंगे। अभी हम लोग जो है हमारा ये बचा हुआ फैब्रिक जो है इसे ले लेंगे, जिससे हम लोग हमारे पफ स्लीव्स बनाने वाले हैं। स्लीव्स में जो है मैं कोई भी लाइनिंग यूज़ नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज ये देखिए जो ये फैब्रिक है, ठीक है, इसे हम लोग अगर बलून स्लीव हम लोगों को बनाना है, पफ स्लीव बनाना है, अगर हम लोग इसमें लाइनिंग अटैच कर लेंगे तो इसका लुक अच्छा नहीं आएगा। तो मैं जस्ट एज इट इज़ जो ये प्लेन फैब्रिक से ही इसका स्लीव बनाऊंगी। तो देखिए, मैंने जो है अभी इस फैब्रिक को 16 इंचेस पर जो है फोल्ड कर लिया है,
ठीक है, जिसमें से 4 inches जो है ऊपर वाला ये हमारे पफ में चला जाएगा, बिकॉज 2 and 2 ऐसे ही हम लोग 2 inches जो है हमें सिर्फ पफ ऊपर चाहिए, तो इसके लिए जो है हम लोग 4 inches जो है एक्स्ट्रा ले रहे हैं यहाँ पर फैब्रिक। ओके, तो यहाँ पर जो है मैंने 4 inches फैब्रिक एक्स्ट्रा ले लिया है। 4 inches के बाद जो है मैं यहाँ पर एक लाइन लगा लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है अभी मैंने क्या किया है, वहीं से 4 inches के ऊपर मैंने यहाँ पर एक लाइन लगा ली है। उसके बाद हमारा जो आर्म होल है 7.5 inches पे हम लोगों ने लिया था, तो सेम एज इट इज़ मैंने 7.5 inches के ऊपर ये वाला लाइन लगा दिया है। इसके बाद 2 inches पर मैंने इसको यहाँ पर एक मार्किंग किया, इसको जो है मैंने इससे मिला लिया है। ओके, तो अभी हमें 7.5 inches का मिड पॉइंट जो है वो निकालना, उससे जो है हमें यहाँ पर शेप दे देना है। ठीक है, तो हमारा फिर क्या होगा कि यहाँ से शेप स्टार्ट होगा जो यहाँ जाके ख़त्म होगा फ्रंट और बैक का। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने फ्रंट और बैक दोनों का जो है शेप लगा लिया है। अभी हम लोग हमारा जो मोहरी है उसका हम लोग मेजरमेंट ले लेंगे। आपको जो मेजरमेंट लेना है वो यहीं से लेना है कि आपका कितना, बिकॉज ये जो 4 inches है तो जो हमारा शोल्डर है उसके 2 inches अप 2 inches डाउन, वैसे ये तो पूरा कवर हो जाएगा। आपको जो आपका एक्चुअल लेंथ मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा, तो इसके हिसाब से जो है आप आपका स्लीव का लेंथ और आपका जो मोहरी का मेजरमेंट है वो यहाँ पर लगाना है आपको। तो देखिए यहाँ पे जो है मोहरी का मेजरमेंट मैंने 4.5 लिया है, बिकॉज मेरा कंप्लीट मोहरी का जो राउंड है वो 9 inches है और जो यहाँ पर मुझे लेंथ मिल रहा है वो 12 inches पर मिल रहा है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगी, सबसे पहले आउटर जो हमारा लाइन है उसे हम लोग कट कर लें, उसके बाद जो है हम लोग इसको हमारा फ्रंट आर्म होल का भी शेप दे देंगे। अभी देखिए मैंने जो मेरा ये स्लीव कट कर लिया है, अभी हमारे पास जो है ये 2 parts हो जाएंगे स्लीव्स के, राइट। तो अभी हम दोनों को इंटरलाइन रखेंगे इस तरीके से और यहाँ से जो है हम लोग इसका शेप कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने जो यहाँ पर इसको फ्रंट आर्म होल का भी शेप दे दिया है, तो यहाँ पर जो है हमारे ये स्लीव्स की कटिंग कम्प्लीटली हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मैंने हमारे फ्रंट का शेप दे दिया है। तो अभी जो है हमारे स्लीव का भी कटिंग हो चुका है और हमारे फ्रंट और बैक पैनल्स का भी कटिंग हो गया है। अभी हम लोग चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। तो यहाँ पर जो है मैंने मेरा नेक का शेप बना लिया है, इसका जो लेंथ रखा है मैंने 6 inches पर रखा है, 1 inches का जो ये राउंड रहेगा और विड्थ जो है मैंने 3 inches पर रखा है। तो इसी से ही 1 inches के ऊपर जो हम लोग सेम इसका मार्किंग कर लेंगे और इसको कट कर लेंगे। यहाँ पर जो है मैंने अभी मेरा नेक भी कट कर लिया है, यहीं पर देखिए मिडल पोर्शन निकाल कर जो है हम लोग इसको पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है हम लोग हमारे मेन फैब्रिक के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने हमारे लाइनिंग के साथ जो हमारा पेस्टिंग पेपर है उसको अटैच कर लिया है। इसको जो है अभी मैं हमारे मेन फैब्रिक के फ्रंट साइड के ऊपर रखूँगी। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने सेफर साइड बीच में भी एक पिन लगा लिया है, दोनों तरफ से इसको पिन से अटैच कर, अभी जो है मैं इसको इसी लाइन जो हम लोगों ने ड्रॉ किया इसके ऊपर स्टिच लगा के इसको हम लोग फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने स्टिच लगा लिया है, अभी हम लोग जो इसको यहाँ से कट कर लेंगे बीच में से और इसके ऊपर नॉचेज लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने इसको फोल्ड कर लिया है, अभी जो है हम लोग एज यूजुअल इसके ऊपर 1/2 inches के ऊपर एक स्टिच लगा लेंगे ताकि जो हमारा नेक है वो अच्छी तरीके से बैठ जाए। तो देखिए मैंने जो है यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगा ली है। अभी हम लोग जैसे हमेशा करते हैं वैसे हम लोग हमारे कंप्लीट फैब्रिक को लाइनिंग से अटैच कर लेंगे। हम लोग जो है बड़ी बड़ी सिलाई लेके इसको जो है चारों तरफ से स्टिच लगा लेंगे और इसको जो है इसके साथ फिक्स कर लेंगे। कि यहाँ पर जो है मैंने कम्प्लीटली स्टिच कर लिया है मेन फैब्रिक के साथ, जो हमारा बॉटम पार्ट था लाइनिंग का उसे भी मैंने जो है अंदर एक फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। तो यहाँ पर जो है हमारा फ्रंट का पोर्शन जो है रेडी होता है, अभी हमें बैक का स्टिचिंग करना है। तो देखिए बैक का जो है हम लोगों ने नेक वगैरह कुछ भी कट नहीं किया था, तो बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे हम लोग कोई भी कैनवास यूज़ नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग 3 inches नेक का विड्थ रखेंगे और जो डीप है वो आपको जितना रखना है आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 2-2.5 inches तक रखूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो है 3 inches विड्थ ले लिया है, 2 inches जो है मैंने यहाँ पर लेंथ ले लिया है और यहाँ पर जो है मैंने राउंड मार्क कर लिया है। अभी हम लोग इसको वैसे ही मेन फैब्रिक की फ्रंट साइड के ऊपर रख के इसको यहाँ से पहले स्टिच लगा लेंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो है पिन से अटैच कर लिया है, अभी जो है मैं इसको यहाँ से एक स्टिच लगा लूँगी। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा बैक का पोर्शन भी रेडी है, मैंने इसको चारों तरफ से स्टिच लगा लिया। मेरा लाइनिंग का जो बॉटम है उसको भी मैंने अंदर से फोल्ड कर लिया है। अभी हम लोग हमारी स्लीव की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है ये मैंने अभी मेरा स्लीव ले लिया है। कुर्ती में जो आर्म होल है वो हम लोगों ने लिया था 7.5 inches, राइट। तो अभी हम लोग अगर यहाँ पे हमारा
ये पॉइंट्स हैं, यानी कि जो टॉप पार्ट है वहाँ से अगर हम लोग मेजर करेंगे तो ये 7.5 इंचेस नहीं होगा, राइट, बिकॉज हम लोगों ने जो है 4 इंचेस जो है ज़्यादा लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मुझे 10.5 इंचेस का मेजरमेंट मिल रहा है। तो अभी यहाँ पर जो है हमारे पास दो ऑप्शंस है, आप यहाँ पर ऐसे प्लेट्स जो है डाल के भी कर सकते हो। अगर आपको प्लेट्स डाल के नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर जो है हम लोग दो बड़े पैर की सिलाई लगा लेंगे और उसको खींचते हुए जो है सारे जितने भी हमारे रफल्स है उसको हम लोग यहाँ पर कलेक्ट कर लेंगे और इसका कंप्लीट जो हमारा लेंथ होगा आर्म होल का वो हम लोगों को 15 इंचेस तक लेकर आना है, तभी जो है हमारा ये परफेक्टली हमारे आर्म होल से ये स्लीव अटैच होगा। तो हम लोग यहाँ पर जो टेक्निक यूज़ करने वाले हैं वो मैं यहाँ पर दो सिलाई लगा लूँगी और उसको जो है मैं यहाँ पर इससे फ्रिल जमा कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने ये स्लीव रेडी कर लिया है, देख सकते हैं मैंने इस पे जो है बड़े दाब की एक सिलाई लगा ली थी और जो भी हमारे फ्रिल है मैंने यहाँ पे टॉप पार्ट पर जो है इसको यहाँ पर गैदर कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये मेरा एक बलून स्लीव रेडी हो गया है। सेम मैं इसको 1 इंचेस का जो है यहाँ पर फोल्ड कर लूँगी तो हमारा जो है स्लीव कम्प्लीटली रेडी हो जाएगा। ऐसे ही मैं मेरा दूसरा स्लीव भी रेडी कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर जो है मेरे दोनों ये पफ स्लीव्स बन के रेडी हो गए हैं और नीचे से भी जो है मैंने इसको एक हल्का सा फोल्ड कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे जो है मैंने ज़्यादा कुछ फोल्ड नहीं किया है, फैब्रिक 1 इंचेस वगैरह ऐसा कुछ नहीं, जस्ट 1/2 इंचेस तक का जो है मैंने यहाँ पर पट्टी फोल्ड कर लिया है। अभी हम लोग जो है इसको स्टिच करेंगे, तो स्टिच करते वक्त मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम लोग क्या करेंगे। जस्ट बिकॉज यहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा गैदरिंग रखना है तो हम लोग ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक का जो हम लोग सबसे पहले दोनों तरफ से स्टिच कर लेंगे ताकि जितना भी बचा हुआ फैब्रिक है हम लोग हमारे टॉप पार्ट में जो है एडजस्ट कर सके। तो इस तरह से जो है हम लोग हमारा स्लीव अटैच करेंगे। तो अभी जो है हम लोग हमारा फ्रंट और बैक पैनल ले लेते हैं कुर्ती का। तो देखिए ये जो है मैंने मेरा बैक और फ्रंट पैनल ले लिया है। अभी हम लोग जो है इसके शोल्डर्स जो है अटैच कर लेंगे दोनों ही। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने मेरे शोल्डर्स जो है एकदम फिनिशिंग के साथ अटैच कर लिया। आप देख सकते हैं कहीं से भी कुछ भी ओपन नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अभी जो है हम लोग हमारे स्लीव्स अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने एक स्लीव अटैच कर लिया। आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर ये पफ बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से जो है मैंने इसको दोनों तरफ से पिनअप करके बीच में सारी गैदरिंग्स अटैच कर ली है। तो सेम एज इट इज़ जो है मैं अपना दूसरा स्लीव भी अटैच कर दूँगी। अभी जो है हमने ये दोनों स्लीव्स अटैच कर लिए हैं। आप देख सकते हैं सारे जितने भी गैदरिंग्स हैं मैंने टॉप पार्ट जहाँ पे हमारे शोल्डर्स अटैच होते हैं मैंने वहीं पर अटैच कर लिए हैं और बाकी जो है मैंने कंप्लीट प्लेन रखा, आप देख सकते हैं, राइट। तो अभी जो है हमारा स्लीव्स भी अटैच हो गया है। अभी हमारा जो ये साइड का स्टिच होता है मैं वो कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने जो है इसकी दोनों तरफ स्टिच लगा ली है और जहाँ पर हम लोगों ने इसको ये देखिए कट लगाया था हम लोगों ने कटिंग के वक्त वहाँ पर जो है मैंने इसको पक्का कर लिया है, ठीक है। अभी हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ से जहाँ से भी हम लोगों ने पक्का किया है हम लोग इसको जो है ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ओके। यहाँ से है तो हम लोग जो है इसको ऐसे 2 फोल्ड्स करके इसकी पट्टी फोल्ड कर लेंगे। तो गाइस मैंने जो है यहाँ पर फिटिंग का जो है स्टिच लगा लिया है दोनों तरफ से। इसमें मैंने एक और चीज़ एक्स्ट्रा की है, वो मतलब यहाँ पर जो मैंने ये डार्ट लगा है इससे क्या होता है कि आपका जो बैक पोर्शन है वो भी एकदम स्निच हो जाता है, एकदम आपको बॉडी को हक कर लेता है बैक पोर्शन और जो आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए होता है वो आपके फ्रंट में ही रहता है। अगर आपको देखना है कि कैसे डार्ट लगाए जाते हैं आप मेरा शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हो कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया हुआ है हाउ टू मेक डार्ट्स। यहाँ पर देखिए उसकी वजह से कुर्ती की जो फिटिंग है वो बहुत ही अमेजिंग आई है। मैं एक बार आपको जो है ये कुर्ती फ्लिप करके बताती हूँ। तो गाइज देखिए एकदम हल्का सा यहाँ पे पफ दिख रहा है आपको, देखिए कंप्लीट जो है ये कुर्ती की लेंथ भी हमें काफ़ी अच्छी मिली है कि हमारा जो फैब्रिक था उसका पना भी 60 का था। ओके गाइज सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हम लोगों ने जो है ये एक अलग पैटर्न की कुर्ती बनाई है अलग नेकलाइन के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।